बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपको एमएस एक्सेस में आप सिलेक्ट क्वेरी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी एक्शन क्वेरीज को क्रिएट करना सिखाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक्शन क्वेरीज क्या होती है? एक्शन क्वेरीज इस तरह की क्वेरीज होती है जिनके जरिए हम एक टेबल में मौजूद एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को ना सिर्फ ऐड करवा सकते हैं, ना सिर्फ अपडेट करवा सकते हैं, बल्कि उन रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, एमएस एक्सेस आपको चार तरह की एक्शन क्वेरीज फराहम करता है: अपेंड क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी और मेक टेबल क्वेरी। आइए इनको बारी बारी एमएस एक्सेस में क्रिएट करना सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमएस एक्सेस आपको चार तरह की एक्शन क्वेरीज फराहम करता है, वो आपको कहां नजर आएंगी ये देखिए। सबसे पहले है अपेंड क्वेरी, उसके बराबर में है मेक टेबल क्वेरी, उसके बिल्कुल राइट की तरफ है अपडेट क्वेरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रॉस का निशान है जिसका नाम है डिलीट क्वेरी। तो दोस्तों, आइए एक टेबल में मौजूद आप किस तरह से डेटा को अपेंड कर सकते हैं, एक नए टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू, ये जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपेंड क्यूरी के बारे में जानते हैं। अपेंड क्यूरी में क्या होता है? द अपेंड क्यूरी इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन एंड मोर टेबल। यानी अपेंड क्यूरी के थ्रू आप एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं एंड एड दैट डेटा टू एन अदर टेबल, और उसके बाद आप उस डेटा को रिट्रीव करने के बाद किसी और टेबल के अंदर एड कर देते हैं। तो इस तरह का काम करने के लिए जो क्यूरी आपको प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेस, वो है अपेंड क्यूरी। ये दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स जरूरी हैं। तो एक टेबल हमारे पास मौजूद है एम्प्लॉई, और इस एम्प्लॉई में से हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जॉब टाइटल की फील्ड्स के अंदर मौजूद डेटा को दूसरे टेबल में अपेंड करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हम क्रिएट के बारे में जाएंगे और लिख देंगे टेबल डिजाइन, और क्योंकि दोस्तों हम इस एम्प्लॉय के टेबल में से सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जॉब टाइटल के रिकॉर्ड को ही दूसरे टेबल में अपेंड करना चाहते हैं, तो हम इस दूसरे टेबल के अंदर फील्ड्स भी यही देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल। यहाँ पर इसको स्मॉल में कर लेंगे हम। ये एम्प्लॉय आईडी की हम डेटा टाइप दे देंगे ऑटो नंबर, और ये हम बना देते हैं इसकी प्राइमरी की। तो सो ये हमने एक टेबल बना लिया है, और इसको हम नाम दे देते हैं टेम्पररी एम्प्लॉय, यानी एक टेम्पररी टेबल है। अब दोस्तों, हमारे पास दो टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, एक टेम्प एम्प्लॉय के नाम से और दूसरा है एम्प्लॉय। अगर आप अभी टेम्प एम्प्लॉय को देखें तो इसके अंदर किसी किस्म का आपको रिकॉर्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब अगर दोस्तों आप इस एम्प्लॉय टेबल में से रिकॉर्ड्स को डालना चाहते हैं इस स्टैम्प एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, तो इसके लिए हम जो क्यूरी यूज करेंगे उसका नाम है अपेंड क्यूरी। आप सबसे पहले इस एम्प्लॉय को क्लोज कर देंगे, इस टेबल को हम इस एम्प्लॉय के टेबल को भी क्लोज कर देंगे, और ये क्यूरी वन को भी क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों, आप सबसे पहले क्यूरी को क्रिएट करने के लिए क्रिएट के बारे में जाएंगे, उसके बाद क्यूरी इसके ग्रुप के अंदर क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे। आप किस टेबल में से डाटा को अपेंड करना चाहते हैं आप सबसे पहले उस टेबल को ऐड करवाएंगे। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय के टेबल को ऐड करवाया है। ऐड करवाने के बाद आप विंडो को क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों, आप यहाँ पर उन फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके डाटा को आप दूसरे टेबल में अपेंड करना चाहते हैं। तो हम एम्प्लॉय आईडी को अपेंड करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम को अपेंड करना चाहते हैं, लास्ट नेम को अपेंड करना चाहते हैं और जॉब टाइटल को अपेंड करना चाहते हैं। इन तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद अब आप दोस्तों इस क्यूरी टाइप के बार में मौजूद इस अपेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने पर अभी आपसे पूछेगा उस टेबल का नेम जिसमें आप इन तमाम फील्ड्स के अंदर मौजूद डेटा को अपेंड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। दोस्तों, हमने क्योंकि एक नया टेबल बनाया है टेम्प एम्प्लॉय का, जिसके अंदर फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इस टेबल के अंदर डेटा को अपेंड करना चाहते हैं। तो हम टेबल का नेम लिखेंगे TEMP EMPLOYEE। दोस्तों, याद रखिए आपको एग्जैक्टली जैसे टेबल का नेम है एग्जैक्टली आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। इसके बाद दोस्तों हम इसको ओके कर देंगे। दोस्तों,
अपेंड करने के बाद, यानी आपने बता दिया कि आप किस टेबल के अंदर इस एम्प्लॉय की टेबल का डाटा जो है वो अपेंड करना चाहते हैं, उसके बाद हम इस क्वेरी को रन करवाएंगे। और रन करने के लिए हम इस रिजल्ट टैब में मौजूद रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि यू आर अबाउट टू अपेंड 7 रोज, यानी इसने एक मैसेज शो किया है कि अब क्या होगा इस क्वेरी को रन करने पर, आपके इस एम्प्लॉय टेबल में मौजूद जो 7 रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स में से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल एंड एम्प्लॉय आईडी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो 7 रोज जो है वो अपेंड हो जाएंगी आपके इस टेम्प एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। आप इस यस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हम इस टेम्प एम्प्लॉय के टेबल को देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें तो जब हमने टेम्प एम्प्लॉय का टेबल बनाया था तो उसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे, लेकिन इस अपेंड की क्यूरी के थ्रू हमने इस एम्प्लॉय के टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को अपेंड करवा दिया है, डाल दिया है इस टेम्प एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से अपेंड की क्यूरी जो है वो काम करती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ जिसमें हमने अपेंड की एक्शन क्यूरी को क्रिएट करना और अप्लाई करना सीखा। अगले लेक्चर में हम एक्शन क्यूरीज की दूसरी टाइप अपडेट एक्शन क्यूरी की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, साथ के साथ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।